हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 मंथ्स फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लासेस विद द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द टेंसेस एज वी हैव कंप्लीटेड अप टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ वी विल मूव फर्दर टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. In this module, we will discuss about use of present perfect continuous tense and rules and the structure of the sentences in this type of tense. So, come to the uses of present perfect continuous tense. Perfect continuous tense denotes an action continuing from the past into the present. It implies the duration of an action. We use phrases that express duration with the present perfect continuous tense. For examples, for the last hour, since morning, for 2 days, etc. It means hum perfect continuous tense ko, चाहे वो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ऐसे एक्शंस को डिनोट करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू है. और ये एक ऐसा एक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मैं इस एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको भी हम डिनोट करते हैं. अब हम कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं इन टाइम ड्यूरेशंस को, टाइम एक्सप्रेशंस को डिनोट करने के लिए, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिख रखे हैं. फॉर द लास्ट आवर, सिंस मॉर्निंग, फॉर टू डे, एक्सेट्रा. फॉर लॉन्ग टाइम हो सकता है, ठीक है, हाउ लॉन्ग, इस टाइप से भी हो सकता है. सो डजेंट मैटर, हमेशा सिंस और फॉर हम यूज़ नहीं करेंगे, बट मोस्टली हम सिंस फॉर वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए हम सिंस फॉर को यहाँ पे एग्जैक्टली समझेंगे. अदरवाइज केवल सिंस और फॉर यूज़ नहीं होता, और भी सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशंस के और अदर भी चीज़ें जो होती हैं, अदर फ्रेजेज जो होते हैं टाइम एक्सप्रेशंस के, उन्हें भी यूज़ किया जाता है जो एक ड्यूरेशन बताते हैं, टाइम ड्यूरेशन. बट यहाँ पर कुछ सिंस और फॉर का जो पर्टिकुलर यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे. सो नोट में मैंने जैसा लिख रखा है, फॉर इज यूज्ड टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स द गिवन टाइम इज नॉट डेफिनेट. फॉर एग्जांपल, फॉर 2 डेज, फॉर लास्ट 10 आवर्स, एट्सेट्रा. मीन्स फॉर को यूज करेंगे हम, सीन्स ऑफ फॉर में से फॉर को यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए. इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइम जो डेफिनेट नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, एक ड्यूरेशन होगा, ठीक है, एक पीरियड शो करेगा. जैसे 2 डेज का पीरियड, 7 डेज, 5 डेज, ये डेज का पीरियड हो गया. 4 आवर, 10 आवर, 16 आवर, 20 आवर्स, ये आवर्स का पीरियड हो गया. मैं सिर्फ फिक्स नहीं है कौन से 10 आवर, कौन से लास्ट 10, कौन से 5 डेज, डजेंट बेटर, ठीक है. इसमें कोई डिनोशन नहीं है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन से 5 डेज, वो 2010 के 5 डेज, 2011 के 5 डेज, फरवरी के 5 डेज, जनवरी के 5 डेज, डजेंट मैटर. इसमें हमें नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट दिस. इसलिए ये ड्यूरेशन है, ठीक है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है. उसी तरह लास्ट 10 आवर्स, तो हमें नहीं पता 24 आवर्स में कौन सा लास्ट 10 आवर्स, ठीक है, सॉरी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट, सिंस पे. सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स द गिवन टाइम इज डेफिनेट. फॉर एग्जांपल, सिंस मॉर्निंग, सिंस एस्टरडे, सिंस 2010, सिंस जुलाई, सिंस सितंबर, सिंस 25th अगस्त, सिंस 15th अगस्त 1947. सो दीज आर फ्रॉम एग्जाम्पल्स. अब सिंस, जैसे वो अभी वहाँ पे ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए, अब यहाँ पे फिक्स टाइम की बात होगी. जब फिक्स टाइम हो,
तब हम क्या करते हैं, सिक्स सिंस का यूज़ करते हैं डेफिनेट टाइम्स के लिए। हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग कहते हैं मतलब कि आज की सुबह, ये डेफिनेट है कि आज की सुबह। सिंस यस्टरडे तो कल से, मतलब अभी कल वाला डे जो बीता हुआ कल का डे है वो डेफिनेट है। सिंस 2010 ये डेफिनेट है। सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, सिंस 2 o'clock, ठीक। तो ये सब के सब क्या है, डेफिनेट टाइम्स हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे मीन्स अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वन एंड देयर स्ट्रक्चर इन दिस टेंस, इन दिस टाइप ऑफ टेंस दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो कम टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट ईच एंड एवरी सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मीन्स हर सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट भी होगा और अपना वर्ब होगा। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उन्हें हम समझेंगे कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैज़, हैव, बीन, हैज़ या हैव लगाएंगे, देन आफ्टर बीन, देन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर इफ नीडेड, देन सिंस और फॉर दोनों में से कोई भी, और फिर लास्ट में टाइम एक्सप्रेस। अब हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, हैव कहाँ यूज़ करते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ तो यहाँ पर डिस्कस करना ठीक नहीं समझता, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में कि हैज़ क्या करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। बस फॉर एग्जाम्पल्स, मिस सुनीता हैज़ बीन टीचिंग एट द कॉलेज सिंस 2010। अब यहाँ पर हिंदी के स्ट्रक्चर को भी समझा दूँ यहाँ पर, कि हिंदी के स्ट्रक्चर में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आएगा लास्ट में, और उसके साथ टाइम ड्यूरेशन भी दिया होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में टाइम ड्यूरेशन भी दिया होगा, और एक ऐसे एक्शन को डिनोट करेगा जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे इस एग्जांपल पर अगर मैं बात करूं तो मिस सुनीता कॉलेज में 2010 से पढ़ा रही हैं। मिस सुनीता कॉलेज में 2010 से पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी स्ट्रक्चर हो गया, हिंदी सेंटेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वन, दे हैव बीन प्लेइंग ऑल इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस फॉर वगैरह यूज़ नहीं किया मैंने, बट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है ऑल इवनिंग, ठीक है। वे हर मतलब प्रतिदिन शाम खेल रहे हैं, वे प्रतिदिन शाम को खेल रहे हैं, मतलब एक पास, मतलब ये खेलने का जो प्रोसेस है वो कई दिन से चल रहा है, पास से स्टार्ट हुआ था, मतलब मंथ, कई मंथ से पहले से स्टार्ट हुआ था, और हर डे शाम को खेलते हैं और अभी भी खेल रहे हैं। मतलब अगर कोई टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये जो खेलने का प्रोसेस है वो पास में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर क्या है ऑल इवनिंग यूज़ हुआ है। सिंस फॉर यूज़ नहीं किया, तो मैंने पहले भी बताया था कि सिंस फॉर हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नेगेटिव वर्ड्स नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेम हम वही फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैज़ हैव, देन आफ्टर नॉट, देन बीन, देन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, एंड देन प्लस टाइम। तो याद रखिएगा, हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब किसी ने कहेंगे कि मेन वर्ब तो वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं पहले भी बताया था जो बीन होता है वो परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें दो पार्ट है ना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट को शो करने के लिए बीन का यूज़ किया गया है,
जो वर्ब इन थर्ड फॉर्म है, और कंटिन्यूअस को शो करने के लिए वर्ब इन आईएनजी यूज़ किया गया है। तो हम जो फॉर्म, जो वर्ब पहले आ जाता है उसके बीच में लगाते हैं। यहाँ पर बीन हमारा पहले आ जा रहा है, इसलिए हम हैज हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटिंग हर वर्क फॉर 5 days। दे हैव नॉट बीन गोइंग आउटसाइड सिंस फेब्रुवरी। सी हैज नॉट बीन कम्प्लीटिंग हर वर्क फॉर 5 days। वह 5 दिनों से अपना कार्य नहीं कम्प्लीट कर रही है, पूरा नहीं कर रही है। दे हैव नॉट बीन गोइंग आउटसाइड सिंस फेब्रुवरी। वह फेब्रुवरी से बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने लॉकडाउन का ड्यूरेशन ले लिया एग्जाम्पल में कि वे फेब्रुवरी से बाहर नहीं जा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैंने दोनों का मिक्स कर दिया है, दो अलग अलग नहीं डिवाइड किया है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होना है तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब समझने की बात है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कब हम WH फैमिली के साथ यूज़ करते हैं, कब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। जब हिंदी के सेंटेंसेस में, हिंदी के स्ट्रक्चर को समझना भी ज़रूरी है इसके साथ साथ, जब हिंदी के स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चंस पूछे जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हो क्या, वो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आए, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से यूज स्टार्ट करेंगे। और यदि जो क्वेश्चन वर्ड हैं हिंदी के, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो वर्ड्स हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स हिंदी के, अगर हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में आए, तो अब हम उस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव वर्ड के इंग्लिश के फॉर्म के साथ WH फैमिली को यूज़ करते हुए सबसे पहले लिखेंगे, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन लगाएंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन आपका टाइम होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, देन टाइम सिंस फॉर लगेंगे, देन टाइम एक्सप्रेशन होंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे और हिंदी के स्ट्रक्चर भी समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग। क्या तुम यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रहे हो? तो यहाँ पर मैंने हिंदी का स्ट्रक्चर लिया, क्या तुम यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रहे हो, मतलब काफ़ी समय से कार्य कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में जो हिंदी का सेंटेंस था वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वन, वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर फ्यू डेज। वह पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं खेल रहा है? अब यहाँ पर देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जो मैंने इसका हिंदी सेंटेंस बोला उसमें क्या था, क्यों, जो ये क्यों वर्ड आया वो क्या आया, बीच में आया, हिंदी के स्ट्रक्चर के सेंटेंस के बीच में आया। वह कुछ दिनों से क्यों नहीं खेल रहा है, तो क्यों क्या बीच में आ गया। अब उस क्यों की इंग्लिश कैसे स्टार्ट किया, वाई, वाई से स्टार्ट किया हमने, देन आफ्टर हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जो नॉट है वो हैज़ के तुरंत बाद लगा देते हैं, जबकि मैं पहले बता दूँ, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और तुरंत बाद हम हमेशा सब्जेक्ट ही लगाएंगे, उसके बाद हम निगेटिव वर्ड नॉट लगाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। आई होप आपको कभी भूलेगा नहीं, ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में हो, हम पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी के सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मॉड्यूल आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए टेंसेस हैं, पास्ट टेंस के पार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।